जय हिंद, नमस्कार। टीए भर्ती यानी टेरिटोरियल आर्मी भर्ती, क्या आप भी टीए भर्ती का ही इंतजार कर रहे हैं? तो अब मत कीजिए, और कितना इंतजार करोगे भाई। 3-4 साल हो गए हैं टीए भर्ती कराई को, तब से लेकर आज तक आप सभी इंतजार ही तो कर रहे हैं। मैं चलो मान लेते हैं कि सरकार ने सेना में परमानेंट भर्ती पर 2-3 साल के लिए अस्थायी रोक लगाई थी और तब कोरोना का कारण बता दिया गया। फिर सेना में अग्निवीर योजना लागू कर दी गई तो उस वक्त सेना की औसत आयु कम करने का बहाना मार दिया गया। लेकिन भाई टीए भर्ती पर रोक का कारण अभी तक भी क्यों नहीं बताया गया है? क्यों टीए भर्ती पर अघोषित रोक लगा रखी है? जब सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की तब ही सैन्य भर्तियों का जो सिस्टम है वो पूरी तरह उल्टा पुल्टा कर दिया गया। आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग पुरानी भर्तियों को ही पूरी तरह रद्द कर दिया गया। अरे जब आपने इतना सब कर ही दिया था तो उसी समय एक लाइन यह भी लिखवा दी होती कि अब टीए भर्ती भी नहीं कराई जाएगी, और अगर कराई भी जाएगी तो वो हमारी मनमर्जी से कराई जाएगी। भाई अग्निवीर भर्ती के लिए जो युवा आज ओवर एज हो चुके हैं, ऐसे युवाओं की संख्या देश में हजारों लाखों में है, और वो हजारों लाखों युवा इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन न तो सरकार ही इस बारे में कुछ बता रही है और न ही संबंधित सेना भर्ती कार्यालय की ओर से ही इसको लेकर कुछ अपडेट दिया जा रहा है। और अगर टीए भर्ती पर सरकार ने सेना ने अघोषित रोक भी लगा दी है तो कम से कम अब तो इन युवाओं को इसके बारे में सही से जानकारी दे दी जाए ताकि ये युवा उसका इंतजार ही ना करें। क्योंकि आपको यह भी बताते चले कि ये जो युवा है ना, ये सेना की वर्दी के इतने बड़े दीवाने हैं कि इन्हें अगर अभी और भी इंतजार करना पड़ा तो ये यूं ही करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप वाकई में टीए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि टीए भर्ती को लेकर ऑफिशियली कोई बयान या कोई अपडेट आपको दे दिया जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी एकजुटता दिखानी होगी। देखिए, हम आपको कहीं पर भी एकत्रित होने के लिए नहीं कह रहे, ना ही हम आपसे कोई धरना प्रदर्शन के लिए कह रहे हैं, बस हम आपको सोशल मीडिया पर आपकी एकजुटता की ताकत दिखाने के लिए कह रहे हैं। हम इसको लेकर दोस्तों एक कैंपेन भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम यह भी देखना चाहेंगे कि आप में से कितने युवा हैं जो हमारे साथ इस कैंपेन में जुड़ना चाहेंगे, और जब हम इसको लेकर ट्विटर आदि पर कोई कैंपेन रन करें तो उसमें हमारे साथ कितने युवा शामिल होंगे, हम ये देखना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, पिछले सालों में हुई टीए भर्ती में शामिल हुए युवाओं की संख्या को देखते हुए पता चलता है कि करीब हजारों लाखों में संख्या है ऐसे युवाओं की जो टीए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम दोस्तों आपसे यह नहीं कहेंगे कि हमें 1 लाख युवाओं का साथ चाहिए, हम कहना चाहेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ अगर 10,000 युवा ही साथ देते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, तो दोस्तों हम दावा करते हैं कि आपको टीए भर्ती को लेकर बहुत जल्द आधिकारिक तौर पर जानकारी देखने को मिल जाएगी। आपको करना क्या है, बस आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्योंकि जब भी हम इसको लेकर कोई भी ट्विटर या एक्स आदि पर कैंपेन चलाएंगे तो इसको लेकर आपको हैशटैग व पोस्ट आदि इसी टेलीग्राम में सेंड करेंगे, जहां से आपको सिर्फ उन हैशटैग और उन पोस्ट को कॉपी करना है और अपने ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट करना है और एक दूसरे की पोस्ट को रीट्वीट ज्यादा से ज्यादा करना है। हम इसको लेकर कैंपेन कब शुरू करेंगे, कितने दिन कैंपेन चलाएंगे, कैंपेन के साथ में और क्या क्या किया जाएगा, इन सब के बारे में भी आपको सही जानकारी इस टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। देखिए, अगर आप सभी युवा वास्तव में यह चाहते हैं कि टीए भर्ती को लेकर कोई जानकारी सामने आए, तब तो आप यह ग्रुप ज्वाइन कर लें। और अगर आप सिर्फ हमारे वीडियो में यह कमेंट करने के लिए आते हैं कि टीए भर्ती कब आएगी, इसको लेकर वीडियो बनाओ, इसको लेकर आवाज उठाओ, तो फिर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा। क्योंकि जब तक यार आप अपनी मांगों के लिए खुद से आगे नहीं आओगे ना, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है भाई, किसी को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और हम तो यह भी कहेंगे कि यार किसी और को तो आपकी परवाह बाद में होगी, जब आपको खुद ही अपनी परवाह नहीं है। इसलिए या तो आप सभी यह कमेंट करना ही बंद कर दीजिए कि टीए भर्ती कब आएगी, नहीं आएगी, क्या अपडेट है, या फिर आप आज इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमें यह बताइए ग्रुप ज्वाइन करके कि हम इस कैंपेन से जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बाद में आप जो कमेंट करके आपकी प्रतिक्रिया देंगे, उसके बाद में हम यह फैसला करेंगे, यह तय करेंगे कि हमें इसको लेकर किस तरह से किस दिशा में काम करना है ताकि युवाओं के लिए टीए भर्ती को लेकर जल्द कोई अच्छी खबर, जल्द कोई आधिकारिक तौर पर न्यूज सामने आ सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।